ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। आदिम जाति विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विकासखंड मुख्यालय बोडला में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बोडला और सहसपुर लोहारा विकास खंड में निवासरत बैगा जनजातियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर के अगले दिन पंडरिया विकास खंड में निवासरत बैगा जनजातियों का उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण में बैगा जनजातियों को उनके गांव में स्वास्थ्य शिविर स्थल तक लाने ले जाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। शिविर के माध्यम से बोडला और लोहारा के मरीजों का बेहतर स्वास्थ्य उपचार किया जा रहा है। विशेष स्वास्थ्य शिविर में राज्य और जिले के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क इलाज और दवाई का वितरण किया गया। अब तक करीब 500 से अधिक बैगा जनजातियों, महिला पुरुष और बच्चों का पंजीयन कराकर इलाज करवा लिया गया है। कबीरधाम जिले में लगभग 45,000 बैगा परिवार रहते हैं। पंडरिया और बोडला प्रमुख दो स्थान है। ट्राइबल डिपार्टमेंट के माध्यम से इसका इनिशिएट पहल की गई और एक स्वास्थ्य शिविर रखने का निर्णय लिया गया, जिसमें कमिश्नर ट्राइबल डिपार्टमेंट खुद स्वयं यहां पर उपस्थित हुई थी। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। यहां पर बोडला और पंडरिया, आज बोडला का हो रहा है, कल पंडरिया का होगा। और जितने भी जो हमने पहले स्क्रीनिंग करवा के ये तय किया कि यहाँ पर कितने ऐसे मरीज हैं जिनको इलाज की तत्काल रूप से जरूरत है, और खासकर सीवियर मरीज, कोई पैरालिसिस से ग्रस्त है, कोई बीपी शुगर का पेशेंट है या अन्य कई गंभीर बीमारी है, कैंसर से पीड़ित है, वो सारे लोगों को स्क्रीनिंग करके पहले चिन्हांकित किया गया नियमों के माध्यम से और सभी को यहाँ पर लाया गया है। और राज्य स्तर के बड़े डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं। डॉक्टर भक्कर, जो आप सभी जानते हैं कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। न्यूरोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टर खेड़िया यहाँ पर आए हुए हैं। अरविंदो चिकित्सालय से आँख का इलाज करने के लिए टीम आई हुई है, वो सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और साथ में परीक्षण करने के बाद उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा। जितने भी बैगा जनजाति के लोग हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के, ट्रैक रिकॉर्ड रखने के बाद ये देखा जाएगा कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं। आज जिनका ट्रीटमेंट हो गया है, जिनको इलाज के लिए जो मामूली दवाई मेडिसिन दिया गया था वो दिया गया है। यदि सर्जरी की नौबत आती है तो निःशुल्क शासन के खर्चे पर उनका रायपुर स्तर पर या जहाँ पर भी जाना होता है उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।